जावा विद ब्लूजे फॉर क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट। चलिए बच्चों, अब आप लोगों का जावा से मैं परिचय करा दूं, दैट मींस इंट्रोडक्शन टू जावा। तो ए टीम ऑफ सन माइक्रोसिस्टम प्रोग्रामर हेडेड बाय जेम्स गोस्ली वाज फाउंडेड टू डेवलप स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट कुड बी यूज फॉर ए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट मींस क्या था, जॉन गोस्ली जिन्होंने जावा को क्रिएट किया है वो एक सॉफ्टवेयर बनाए थे। तो उस समय जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जो लैंग्वेज यूज़ किया था, उस समय उसका नाम ओक था और ओक का ही नाम बाद में क्या रख दिया गया, जावा। देखिए, ये न्यू लैंग्वेज ओक वाज इंट्रोड्यूस बाय द टीम, उनका टीम के द्वारा, वो हेड थे तो उनके द्वारा जो बनाया गया था लैंग्वेज, उनका नाम, उसका नाम रखा गया था ओक, और ओक ही बाद में क्या बन गया, जावा। जावा लैंग्वेज बिकम फेमस फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग एज वेल एज फॉर जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। दैट मीन्स इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी हम लोग जावा यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अदर सॉफ्टवेयर बनाना रहता है तो भी जावा का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जावा फीचर्स ऑफ जावा में सबसे पहला कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। ये क्या होता है, ए प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज नीडेड टू बी अदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड इन टू ए मशीन कोड। अब कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको या तो कंपाइल किया जाता है या तो फिर इंटरप्रेट किया जाता है। कंपाइल और इंटरप्रेटर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कंपाइलर के बारे में या इंटरप्रेटर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज प्रोसेसर दैट इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। मतलब ये क्या करता है, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जावा में क्या होता है, ये दोनों काम करता है, जावा में क्या होता है, ये दोनों काम करता है। थर्स्ट, मेकिंग जावा टू स्टेज सिस्टम, जावा दो स्टेज सिस्टम में डिवाइड किया गया है। पहले तो जावा कोड को क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, और जो भी ट्रांसलेट होगा उससे क्या मिलेगा, हम लोग को बाइट कोड मिलेगा, क्या मिलेगा, बाइट कोड, और फिर बाइट कोड जो होता है उसको इंटरप्रेटेड किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट कोड फाउंड होता है जो मशीन रीड कर पाए, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग JVM के बारे में पढ़ेंगे अभी इसी में ही। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वंस एंड रन एनीवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा विच मेक इट ए वेरी पावरफुल लैंग्वेज। जावा प्रोग्राम हैज टू बी रिटन only once and can be executed on different platform without any change in the source code। मतलब आप एक platform में लिखिए और दूसरा platform में आप run कर सकते हैं। That means आप window operating system में बैठ के program लिख रहे हैं, उसी program को आप Linux में, Mac में आप run कर सकते हैं, आप without any changes in your program। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन जावा कोड एंड डाटा एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। जावा कम विथ वास्ट सेट ऑफ क्लासेस विच आर ऑर्गेनाइज इन ए पैकेज दैट कैन बी यूज इन ए प्रोग्राम। रोबोस्ट, जावा हैज ए यूनिक कंपाइलेशन सिस्टम इन विच कंपाइलर चेक द प्रोग्राम। जावा का सिस्टम में क्या होता है, कंपाइलर चेक द प्रोग्राम एरर्स एंड इंटरप्रेटर चेक एनी रन टाइम एरर। जो भी एरर होगा, प्रोग्राम एरर कंपाइलर चेक करेगा, रन टाइम एरर जो होगा इंटरप्रेटर चेक करेगा, जिसको कि जावा जो है ये जो रोबस्ट है, जिससे क्या हो जाता है कि आपका प्रोग्राम मोर सिक्योर हो जाता है, तो मेक द सिस्टम सिक्योर। दिस टू स्टेप कंपाइलेशन मेक जावा एज ए रोबस्ट लैंग्वेज। अब देखिए, जावा कंपाइलेशन समझेंगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लेट सी अदर कंपाइलेशन प्रोसेस। मतलब दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, जिसे एप्लीकेशन कोड कहा जाएगा, तो वो क्या होता है, वो उसमें क्या होगा, अगर आप विंडो में लिख रहे हैं तो उसके लिए विंडो कंपाइलर उसको कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप यूनिक्स में बैठे हैं तो सोर्स कोड को कौन कन्वर्ट करेगा, यूनिक्स कोड कन्वर्ट करेगा। और अगर आप मैक्स में बैठे हैं तो वो मैक्स कंपाइलर कन्वर्ट करके वो मैक्स मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, यूनिक्स यूनिक्स मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और विंडो विंडो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। द प्रोग्राम और ए कोड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज ए सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसे ही सोर्स कोड कहा जाता है। और व्हेन सोर्स कोड कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, और जब सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। और ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है, एप्लीकेशन क्रिएटेड टू रन ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो मे नॉट बी रन ऑन द मैक।
अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए और मैक्स में रन करने जाएंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके तो वो रन नहीं होगा. देयरफॉर सॉफ्टवेयर वेंडर हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट कॉम्पेटेबल वर्सन ऑफ द सेम एप्लीकेशन. इसीलिए देखिए हम लोग अलग अलग, मतलब अगर आप प्रिंटर खरीदते या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो विंडो के लिए अलग, यूनिक्स के लिए अलग और मैक्स के लिए अलग आपको डाउनलोड करना पड़ता है. अब जावा में कंपाइलेशन प्रोग्राम क्या है, किस तरह से काम करता है, देखिए जावा में कंपाइलेशन जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा अलग है. जैसे द जावा कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड, मतलब जो प्रोग्राम हम लोग जावा में लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है. तो वो क्या करता है, जावा कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है विच इज नाइदर डिपेंडेंट ऑन मशीन और नॉर ऑन ए प्लेटफॉर्म. तो वो मशीन में डिपेंड नहीं करता है. इट प्रोड्यूस एन इमीडिएट कोड इन स्पेशल फॉर्मेट. ये जो फॉर्मेट होता है इसी फॉर्मेट को कहा जाता है बाइट कोड. मतलब जो हमारा सोर्स कोड होता है जावा कंपाइलर उसको जो कन्वर्ट करके देता है उसे कहा जाता है बाइट कोड. और दिस मेक ए जावा प्रोग्राम वेरी हाईली पोर्टेबल एज इट बाइट कोड कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. अच्छा ठीक है, देखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ समझना हम लोग का, कि जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे जावा में उसको जावा कंपाइलर क्या करता है बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है. और बाइट कोड कैन रन ऑन जेवीएम. तो वो कहाँ रन होता है, जेवीएम में रन होता है. जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन. और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक जेवीएम होता है. इस कारण क्या होता है, देखिए डायरेक्टली वो विंडो में कंपाइल नहीं हो रहा, मतलब विंडो में कन्वर्ट नहीं हो रहा. वो क्या हो रहा है, जावा कंपाइलर बाइट कोड कन्वर्ट कर रहा है. और बाइट कोड रन होगा जेवीएम में तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक जेवीएम है. तो क्या हो रहा है, अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठे तो उसके अनुसार का जेवीएम है तो ये बाइट कोड उस पर रन हो जाएगा. अगर हम यूनिक्स में बैठे हैं तो उसके अनुसार उसका जेवीएम है तो वे बाइट कोड उसमें रन हो जाएगा. और मैक्स में बैठे हैं तो बाइट कोड उसमें रन हो जाएगा, ठीक है ना. और दिस मेक ए जावा प्रोग्राम हाईली पोर्टेबल एज इट बाइट कोड कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. फ्यूदर द बाइट कोड इज कन्वर्टेड इन टू एन एक्सिक्यूटेबल मशीन कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बाय जावा वर्चुअल मशीन. अब जावा वर्चुअल मशीन को और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं. वॉट इज ए जावा वर्चुअल मशीन, द कोड रिटन बाई यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आइदर कॉम्पाइल और इंटरप्रिटेड. ये हम लोग पहले देखे थे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो कॉम्पाइल होता है या इंटरप्रिटेड होता है बिफोर एक्सिक्यूशन. वेर एज इन जावा, बट इन जावा बोथ ऑपरेशन आर परफॉर्म, मगर जावा में ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द कोड इज कॉम्पाइल इन टू बाइट कोड. सबसे पहले क्या होता है, कोड हमारा कॉम्पाइल होकर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. और दिस कोड इज इंटरप्रिटेड एट द प्लेटफॉर्म लेवल ऑन विच द एप्लीकेशन इज टू बी एक्सिक्यूटेड. फॉर एवरी प्लेटफॉर्म वी हैव ए स्पेशल जावा इंटरप्रिटर, ठीक है. हर प्लेटफॉर्म में जैसे विंडो मैक्स पहले मैंने आपको समझाया था, सबके लिए एक जावा इंटरप्रिटर होता है विच इंटरप्रिट द जावा बाइट कोड. द डिवाइस आर इक्विप्ड विथ इंटरप्रिटर दैट कैन बी रीड द बाइट कोड. जो बाइट कोड को पढ़ सके उसे कहा जाता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है. तो जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो हमारा द्वारा जो कंपाइल किया हुआ बाइट कोड होता है उसको वो क्या करता है, इंटरप्रिट करता है और वो मशीन कोडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है. द प्रेजेंस ऑफ जेवीएम मेक इट पॉसिबल फॉर एनी जावा एप्लीकेशन टू रन ऑन एनी मशीन रिगार्डलेस ऑफ इट प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर. अब जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, इट इज ए पैकेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट टूल. इट प्ले ए ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट एंड एक्सिक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम. JDK हैज हंड्रेड ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस. उसके अंदर बहुत सारा प्री डिफाइंड क्लासेस होता है, मेथड होता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जावा API. जावा API इज ए कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड कोड ग्रुप्ड इनटू ए वेरियस फंक्शनल पैकेज दैट कैन बी यूज व्हाइल क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन जावा. सम ऑफ द कॉमन यूज API एरर्स एज फॉलो. जैसे java.len इसका यूज हम लोग करते हैं टू सपोर्ट क्लास टू कॉन्टेन स्ट्रिंग कैरेक्टर मैथ इंटीजर थ्रेड. अब इसका सारा का तो नहीं, मैं एक दो ठोक बता देता हूँ आपको. जैसे java.math, अब क्या होता है कुछ फंक्शन हम लोग अगर यूज करें, जैसे स्क्वायर रूट निकालना हुआ, पावर फंक्शन हुआ, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है. ये जो फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है. तो इस फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या इम्पोर्ट करना होगा, java.math, ठीक है. उसी प्रकार से अदर और भी फंक्शन है, java.awt टू सपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल
kits and also used to manage graphical user interface. तो ये सारा API हम लोग क्या कर जावा हम लोग को प्रोवाइड करता है, इसका यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.